रविवार से कोविड संक्रमित लोगों के लिए चिकित्सा परीक्षण के बाद बिस्तर का आवंटन। मैं अफ्राहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। रविवार 25 अप्रैल से कोरोना की बढ़ती हुई संख्या के कारण संक्रमितों को यानी कोविड-19 रोगियों को अस्पताल में भर्ती करने और बिस्तर की सुविधाएं सरल प्रकार से करने हेतु ब्रिन मुंबई महानगर पालिका ने नया प्रोटोकॉल जारी किया है। शुक्रवार को महानगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें BMC द्वारा कहा गया कि अस्पतालों में बिस्तर आवंटित होने से पहले सभी कोविड रोगियों की मेडिकल जांच होगी। रविवार से सभी रोग सूचक कोविड रोगियों की चिकित्सा जांच के बाद ही बेड आवंटित किया जाएगा, जो नागरिक डॉक्टरों और अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिसमें रोगी के घर का दौरा होगा। कोविड रोगी के घर में डॉक्टरों की यात्रा करवाई जाएगी। इस संबंध में BMC कम से कम 10 परीक्षा दल बनाएगी और प्रत्येक टीम के लिए एक एम्बुलेंस उपलब्ध की जाएगी। ये नया प्रोटोकॉल रविवार से लागू कर दिया जाएगा। इस प्रकार से रोगियों को उनकी आवश्यकता और से स्थिति के अनुसार बेड आवंटित किए जाएंगे। यूं ही जिले थाने में TMC ने कोविड बेड उपलब्धता की जांच के लिए वेबसाइट भी जारी किया है। थाने महानगर पालिका के अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कोविड रोगियों की संख्या में वृद्धि होने से रोगियों को बिस्तर मिलने में कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण थाने महानगर पालिका अपने बिस्तर प्रणाली में सकारात्मक सुधार कर रहा है। नए प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षण किए गए लक्षणों या गंभीर लक्षणों वाले रोगियों की डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद उन्हें बेड आवंटित किए जाएंगे। रोगियों के घर में चिकित्सा परीक्षण सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की जाएगी और अगर रात 11 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक किसी रोगी को बिस्तर की आवश्यकता होती है तो ऐसे रोगियों की जांच जंबो कोविड केंद्रों में करवाई जाएगी। नगर पालिका इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करेगी और चिकित्सा परीक्षा के पश्चात यदि डॉक्टर द्वारा अनुशंसित बिस्तर रोगी के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसे रोगियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा और बिस्तर उपलब्ध होने के बाद रोगी को आवंटित कर दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।